ओके गाइस, तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हमारा लग चुका है वॉर, और ये वॉर में आप देख सकते हो दो किसी ने अटैक ले लिया, चलो जाने दो उनका, ये ट्रोजन वॉर होने वाला है। ये वॉर हम लोग क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो वॉर विन स्ट्रीक है वो 9 है, और ये वॉर विन स्ट्रीक 10 होने वाला है। इसी खुशी में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ट्रोजन वॉर। बाकी एक और ट्रोजन वॉर होगा अगर हम लोग सीधा जाएंगे 20 में। तो चलो, बाकी फिलहाल के लिए आज लास्ट एक घंटे में हम लोग सारे के सारे अटैक लेंगे। देख सकते हो सारा का सारा बेस के ऊपर ऑलमोस्ट मार्क लग चुका है, हम भी अटक लेंगे और 30 vs 30 वॉर लग चुका है। अभी सब लोग आ जाएंगे ऑनलाइन, एक बार फिर से मेल डाल देता हूँ। बाकी एक और काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक बार बूस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि अब आर्मी वगैरह देना भी पड़ेगा मुझे, और मुझे भी अटक लेना पड़ेगा। चलो अब क्या करेंगे भाई साहब, बंदे ही नहीं आ रहे क्लैन पे। अब यहाँ पे देख सकते हो बंदे में बात तो चल रहा है, यहाँ पे 5 बंदे ऑनलाइन है और लास्ट आवर हम लोगों का चल रहा है, अब क्या ही बताए भाई। चलो स्टार्ट कर देते हैं, गो बोल देते हैं यहाँ पे, गो। चलो कर लो तुम लोग अटैक, और ऑल द बेस्ट लिख देते हैं एक बार, ऑल द बेस्ट। चलो यहाँ पे ले लेंगे सब लोग एक एक करके, फिलहाल के लिए हम लोग चलेंगे जरूर। और लास्ट आवर ये चल रहा है और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो एक साथ 5 बंदे ऑनलाइन है, हम लोग कहा करें भैया, इसीलिए मैं नहीं करता ट्रोजन ओवर। सब लोगों को बोल दिया ट्रोजन ओवर होने वाला है, फिर भी कोई नहीं कर रहा यार, मतलब ये कौन सा तरीका है। ट्रोजन ओवर सब लोग खेलने के लिए रेडी थे, फिर भी नहीं करना चाहिए ऐसे। चलो कोई ना, चालू करो कोई तो एक, मैं भी अटक ले लूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे करके अटक तो लेंगे। चलो एक अटक चालू हो चुका है हमारे एसएस भाई की तरफ से, और सब लोग जाएंगे, और मैं रेडी भी हूँ आर्मी लेके, मैं भी घुस जाऊंगा, कोई बात नहीं। सब लोग अटैक शुरू कर दो, बस मैं भी कर दूंगा। सब लोग एक एक करके स्टार्ट कर दो, 5 बंदे हमें लेके ऑनलाइन है, मतलब हमें छोड़ के बस 4 बंदे ऑनलाइन है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे मैं भी चलूंगा, मैं लोअर आईडी से स्टार्ट करूंगा और हायर आईडी पे जाऊंगा, आर्मी रेडी रखूंगा ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ पे पहले तो एसएस भाई जा चुके हैं, एसएस भाई के पास भी 3-4 अकाउंट है, और ये बंदा कर रहा है यहाँ पे हाइब्रिड, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे क्योंकि बाकी सारे अटैक भी होने वाला है, हम लोग उतना ज्यादा रिस्क तो नहीं ले सकते। मेरा भी टोटल 5 अकाउंट है और 5 अकाउंट से भी मुझे अटैक लेना है, तो टाइम तो जाएगा, ऊपर से 2 अटैक, एक अटैक में काम निपट जाए तो अच्छी बात, अगर नहीं निपटे तो लेना पड़ेगा सेकेंड अटैक। तो चलो यहाँ पे सरप्राइज करेंगे एनिमी वाले को, फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा किंग भाई के ऊपर, दूसरा अटैक तो हो नहीं रहा इसीलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा। और टॉर्नेडो में फंस गया हमारा क्विन, और यहाँ पे सीसी में क्या है, ईडी लून आजकल कौन रखता है यार। चलो यहाँ पे दूसरा भी और लग चुका है, मतलब दूसरा भी बंदा जा चुका है वॉर पे, कौन जा चुका है देख लेते हैं। ऐसे किंग भाई नीचे जा चुके हैं, और ऊपर कहाँ है, अच्छा ऊपर यहाँ पे खोकन भाई जा चुके हैं, कौन सा वाला अटैक कर रहे हैं पहले एक बार देख लेते हैं। ओके भाई यहाँ पे कर रहे हैं सुपर ड्रैगन के साथ, क्वीन चार्ज सुपर ड्रैगन, सही है यार, क्वीन चार्ज सुपर ड्रैगन कर रहे हैं, अच्छी बात है, चलो कर लो। ओके इधर से क्वीन को लेगा, और मेरे ख्याल से ये पूरा सेक्शन लेने वाला है ड्रैगन से, पूरा का पूरा ड्रैगन के हिसाब से। ओके रिकॉल इधर कर दिया और इधर भी कर दिया, बट यहाँ पे दिक्कत हो सकता है आई थिंक। हाँ भाई शायद ये वाला पोर्शन चूज करने वाले हैं, पर ट्रूप्स अगर डिवाइड हो गए भाई दिक्कत आ जाएगा। यहाँ पे आ चुका है फ्लेम फ्लिंगर, जो दिक्कत उतना ज्यादा दे नहीं सकता आई थिंक। फनेल कैसा फनेल बना रहा है मुझे अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा, पर आई थिंक ये अभी क्वीन के पास दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्वीन ये पूरा का पूरा सेक्शन लेने वाला है। और जो मैंने सोचा था यहाँ पे सुपर ड्रैगन आ जाएगा, बट यहाँ पे दिक्कत भी हो सकता है क्योंकि पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रूप्स डिवाइड होगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लिया हमने खोकन भाई की तोरा अटैक, और नीचे और एक बंदा जा चुका है, कौन सा वाला अटैक जा चुका है। ओके हॉक भाई भी जा चुके हैं, तो चलो हम भी कर लेंगे, हॉक भाई यहाँ पे कौन सा वाला अटैक कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। ओके हॉक भाई यहाँ पे कर रहे हैं हमारा जो मतलब हमेशा करते हैं हमारे रोहित भाई, इनका भी चैनल है, और यहाँ पे भाई कर रहे हैं हाइब्रिड। ओके चलो सही है, ओके भाई चलो यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से हाइब्रिड कर रहे हैं। बेस्ट है यहाँ पे कोर में टाउन हॉल है, तो दिक्कत उतना नहीं आना चाहिए, कभी कभी मॉन्स्टर भी हो जाता है। यहाँ पे भाई का एसएस किंग का ट्रिपल हो गया आई थिंक, हाँ ट्रिपल हो गया। ओके इसके बाद हमारी बारी, तो हम भी अटैक ले लेते हैं, टाइम बचा नहीं है उतना, तो चलो आईडी स्विच करते हैं और अटैक लेते हैं। अब ट्रोजन ओवर बोल दिए बट उतना कोई अटैक ले नहीं रहा, सो यहाँ पे हमारा आर्मी रेडी है, सो हमें भी घुसना पड़ेगा, और यहाँ पे टाइम उतना है नहीं, बेस को एक बार जस्ट काउट करेंगे और घुस जाएंगे बेस पे, ठीक है। ओके एक और अटैक लिया भी जा रहा है,
सो चलो हम भी यहाँ पे अटैक ले लेते हैं, उतना कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, उतना कुछ खास नहीं करते, इससे ही हो जाता है 3 स्टार। मतलब है ना, इतना अच्छा खासा आर्मी तो है ही, काय नहीं होगा 3 स्टार, ऑब्वियसली होगा। ओके इस तरफ तो वॉल नहीं फूटा, कोई बात नहीं फोड़ देंगे, अभी नहीं फूटा बाद में फूट जाएगा ना, दिक्कत क्या बात है। और यहाँ पे हमने सीसी को मारने के लिए पॉइजन भी दे दिया, थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पे हमारा लॉग लॉन्चर फूटने वाला है, कोई बात नहीं फूट गया तो फूट गया। रेज आ जाएगा यहाँ पे ताकि ट्रूप्स वगैरह सब लोग अंदर चले जाएं। किंग एबिलिटी भी यहीं पे दे दूंगा और वार्डन एबिलिटी भी यहीं पे आ जाएगा, जिससे यहाँ पे सारा का सारा जो बर्बिलियन के बच्चे हैं वो भी ना मरे। यही हमारा मस्त प्लान है और ये हमारा सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला स्ट्रैटेजी है जो हमेशा काम करता है, क्योंकि स्ट्रैटेजी है ही इतना खतरनाक, काम काहे नहीं करेगा, आराम से ये बेस को ले लेगा। हाँ मुझे पता है यहाँ पे किंग का एबिलिटी जाया नहीं करना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, बेस आ गया 3 स्टार, कुछ नहीं बचा है बेस पे, कुछ नहीं बचा बेस पे, स्वैग कर देंगे यहाँ पे, काफी सारा स्प्रीज यहाँ पे स्वैग हो जाएगा, देख लेना। इजी ट्रिपल है ये, और इसका आप लोगों को ये जो स्ट्रैटेजी है इसका लिंक भी तुम लोगों को मैं ऊपर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम लोग अच्छे से कर सकते हो। चलो अब इनको रख के भी क्या करेंगे, हालांकि ज्यादती हो रहा है हमारे साथ, मतलब इजीली ट्रिपली हो जाएगा, सो बेकार में स्वैग कर देते हैं, मतलब बाकी सारा स्पेल तो यहाँ पे स्वैग ही हो गया, फिर भी चलो रख के क्या करेंगे, सो टाइम वेस्ट हो रहा है तो जल्दी करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है तो स्वैग कर देते हैं, और भाई ये रख के क्या करेंगे, दे दिया, चलो ट्रिपल हो गया आराम से। चलो ये भी हो गया, अब हमें दूसरा अटैक भी लेना पड़ेगा। एक काम करते हैं, आर्मी ट्रेंड है तो यहाँ पे लेके रख देते हैं, अब दूसरा अटैक भी लेने वाले हैं, जल्दी आ जाओ सब लोग। और यहाँ पे ट्रिपल धीरे धीरे हो रहा है भाई साहब, और ऊपर भी करना पड़ेगा अटैक, कितना अटैक लिया जा चुका है देख लेते हैं। ओके एसएस भाई का भी एक और ट्रिपल आ चुका है, हमारा ट्रिपल प्रणव भाई का भी ट्रिपल आ चुका है, हॉक भाई का भी ट्रिपल आ चुका है, यहाँ पे जितना भी अटैक्स फिलहाल हमारे तरफ से हुए हैं सारे, अरे नहीं रुको, सारे के सारे ट्रिपल आ चुके हैं, बस खोकन भाई का अटैक थोड़ा सा यहाँ पे पेचीदा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट अटैक भाई रेडी रहो, नेक्स्ट भी आ जाएंगे। ओके और भी अटैक हो रहा है यहाँ पे, कहाँ पे नीचे हो रहा है आई थिंक, हाँ यहाँ मनीष की तरफ से भी अटैक हो रहा है, देख लेते हैं एक बार छोटा सा भाई यहाँ पे कर रहे हैं क्वीन चार्ज, अच्छा ये हाइब्रिड कर रहे हैं, चलो ये भी सही है, चलो ये भी धीरे धीरे चेकआउट कर लेंगे, बाकी सारे बंदे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा देखने में, सारे बंदे एक साथ करते तो और भी अच्छा लगता, बट यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो दूसरे अकाउंट से हम भी अटैक ले लेते हैं, क्योंकि जितना टाइम यहाँ पे बखेड़ा होगा उतना हमारे लिए बखेड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक बंदा चला गया, अरे कौन गया, ओके फिर से यहाँ पे एसएस भाई हमारे जा चुके हैं नंबर 11, अच्छा एक और अटैक जा चुका है, अरे भाई साहब यहाँ पे तो किया जा रहा है सुपर ब्लिम के साथ हाइड्रा, सही है, अच्छा खासा वैल्यू मिल गया भाई को, और क्या ही चाहिए यहाँ पे, अच्छा खासा वैल्यू मिलने के बाद और क्या ही चाहिए, बढ़िया चलो करते रहो। और ऊपर एक और बंदा हमारा हॉक भाई फिर से एक बेस के ऊपर जा चुके हैं, यहाँ पे कौन लगाया, एवेंजर लगाया, चलो उनको करने दो, हम भी चलेंगे हमारा मार्क किया बेस के ऊपर, हमारे यहाँ पे आर्मी रेडी है, हमारा बेस ढूंढना पड़ेगा, कहाँ पे हमने मार्क किया था, अच्छा ये रहा हमारा मार्क, बेस को एक बार फिर से देख लेंगे और यहाँ पे घुसना पड़ेगा हमें। चलो घुस पड़ते हैं, ज्यादा टाइम है या नहीं, ठीक है चलो, अटैक पे बटन हमने तो दबा दिया, अभी करना पड़ेगा अटैक, सिंपली हम लोग यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से करेंगे और पीछे से ये भी आ जाएगा, थोड़ा सा जूम इन करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे खोलना है ना, इसीलिए फेस आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा इन वी, बस दिक्कत यहाँ पे आना नहीं चाहिए उतना, चलो सही है, धीरे धीरे अच्छा खासा जा रहा है अटैक, वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है अच्छा खासा वैल्यू मिल जाएगा तो काम खत्म है यहीं पे। लास्ट हमने यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा ब्लिजर्ड भी लेना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा सुपर विजर्ड भी लेना चाहिए था, फिलहाल के लिए जाने दो, अच्छा खासा तो हो रहा है तो काहे बखेड़ा करना। और क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा हमारा आइस गोलेम, यहाँ से किंग और क्वीन भी आ जाएगा, हम लोग उधर से जाएंगे, ठीक है
चलो यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर दे देंगे जिससे ये लोग घुस सकें, मतलब घुसने की जरूरत भी नहीं था वैसे। किंग का बफेड़ा हो जाएगा यहीं पे, इसीलिए थोड़ा सा बलून वगैरह दे देते हैं। तो किंग मरने वाला है भाई, किंग को बेकार में हमने मार दिया। कोई नहीं, क्वीन के लिए रास्ता बन गया और हमारे पास और भी रास्ता है। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये कर लेंगे, पीछे वार्डन आ जाएगा। ओके अब यहाँ से आ जाएंगे। अब पे मिनियंस मिनियंस मिनियंस, अब यहाँ से दो हेड हंटर भी आ जाएगा, दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। वार्डन कैबिलिटी जस्ट यहाँ पे आ जाएंगे जिससे हमारा क्वीन आराम से ले सके। तीन दे दिया और कुछ खास बचा है नहीं बेस के ऊपर। यहाँ पे एक हेस्ट आ जाएगा, फ्रीज का ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं, बेकार में हमने फ्रीज दे दिया। बाकी ये तो यहाँ पे दे देंगे और बाकी जो बचा हुआ ये भी दे देंगे। कुछ मिनियन 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 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एक हेस्ट और एक फ्रीज हो गया। स्वैग, ये स्वैग नहीं करेंगे यहाँ पे, रहने देते। बाकी रख के भी क्या करेंगे, स्वैग कर देते, हमारे पास ऑलरेडी आर्मी है। तो ये भी हो गया थ्री स्टार यार, बड़े आराम से हो रहे हैं थ्री स्टार। अच्छा खासा बेस बनाया करो, क्या लप्पू जैसे बेस दे रहे हो। चलो ये भी हो गया थ्री स्टार बड़े आराम से, हमें और भी अटैक लेना पड़ेगा। सो थोड़ा सा रुक जाते हैं, काफ़ी सारे अटैक होने वाला है, तो वीडियो में बने रहो यारो। ओके यहाँ पे एक बार दे देते हैं क्योंकि हमें अटैक भी लेना पड़ेगा। सो अटैक्स होते जा रहे हैं गाइस, और 41 मिनट्स बचा हुआ है। और यहाँ पे नीचे हमारे VI की तरफ से भी अटैक आ चुके हैं, नीचे ट्रिपल काफ़ी सारे आ रहे हैं। और यहाँ पे हमारे हॉक भाई ने 97% किया है, थोड़ा सा परसेंटेज रहेगा, कोई नहीं हमारा पास बैकअप तो रहेगा ही, दिक्कत यही बात है। ओके फिलहाल के लिए तो 7 बंदे ऑनलाइन है। फ़ोन बहुत ज़्यादा लैग, ओके फ़ोन लैग कर रहे हैं। खोगन भाई की तरफ से एक और अटैक हो रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो VI की तरफ से भी अटैक। VI कौन सा अटैक कर रहे हैं देख लेते हैं एक बार। अरे भाई सब यहाँ पे VI ने तो क्या ही कर दिया, 1 स्टार कर दिया यार, ऐसे मत करो। क्या कर रहे हो, विदाउट क्वीन, क्वीन नहीं है भाई के पास। चलो कोई बात नहीं, कचरा भी हमें संभालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं कर लेंगे। खोकन भाई से एक और बेस आ चुका है यहाँ पे 2 स्टार, कोई बात नहीं चलो कर लेंगे। यहाँ पे अटैक्स तो धीरे धीरे हो रही है भाई, यहाँ पे काफ़ी अटैक्स है, स्टार्ट कर दो आप अपने सारे, जल्दी खत्म करना है। ओके चलो हम अब जाएंगे टाउन हॉल 13 के ऊपर, यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है, वो मार्क ढूंढना पड़ेगा। मामा जी मामा, अरे बेस नहीं मिल रहा यार, कहाँ गया मेरा बेस, कहाँ पे हमने मार्क करके रखे थे। ओके मिल गया हमारा बेस, ये है ना, हाँ हमने मार्क करके रखा था। ओके ये रहा वो वाला बेस, और जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं 3 स्टार। दिक्कत तो उतना नहीं आना चाहिए जितना यहाँ पर लग रहा है। ओके चलो कोई ना कर लेंगे, ईजिली हो जाएगा, ठीक है ईजिली करेंगे। चलो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ऐसे ब्लिंप विथ हाइड्रा। चलो और यहाँ पे हम एक लावा हाउंड यूज कर रहे हैं ताकि ब्लिंप को पहुंचा सके विदाउट वार्डन, ठीक है वार्डन को दिक्कत नहीं देंगे, इसीलिए सही जहां पे पहुंचाएंगे दिक्कत नहीं आना चाहिए इसीलिए। चलो डाल दें यहाँ पे एबिलिटी लगने से पहले। ओके चलो डाल दिया हमने, कुछ और तो नहीं दिक्कत हो गया। चलो सही है सही है सही है सही है, करो सावधानी से करो सावधानी से करो। ओके मल्टी ले लो भाई, मल्टी ले लो, क्या कर रहे हो। चलो मल्टी ले लिया, एक और ले लो आराम से। चलो एक और भी ले लिया। ओके हम CC भी ख़त्म हो चुका है, ये इस तरफ का काफ़ी सारा चीज़ें ख़त्म हो चुका है। सो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, ठीक है किंग को यहाँ पे देंगे और क्वीन को इधर से देंगे, और यहाँ पे एक वॉल ब्रेक डाल देंगे ताकि वॉल फूट जाए और ये लोग अंदर जा सकें, और बाकी हम लोग स्टार्ट करेंगे इधर से क्योंकि इधर में कुछ बचा है नहीं। सो ऐसे आ जाएंगे हमारे पीछे से, ये भी स्पैम कर देंगे, ठीक है वार्डन आ जाएगा, एक और लून आ जाएगा, दिक्कत ना आ जाए इसीलिए। चलो अब यहाँ पे RC भी दे देंगे, एक ये भी दे देंगे जिससे दिक्कत ना आ जाए और ज़्यादा। टाइम पे एक और हम देने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, होल्ड करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा होल्ड करना है हमें। एक और आ जाएगा, चलो वार्डन एबिलिटी टाइम पे देना है, वार्डन एबिलिटी का एकदम टाइमिंग बेस्ट होना चाहिए नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। चलो टोर्नेडो जहाँ पे खुलना था सही जगह पे खुला, दिक्कत तो लग रहा है भाई थोड़ा सा,
ओके यहाँ पे एनिमी हीरोज जिंदा है तो ये दिक्कत दे सकता है थोड़ा बहुत, हमें थोड़ा सा हेड हंटर को बचाना चाहिए था। कोई बात नहीं, हो जाएगा काम ऐसा लग रहा है हमें, बस ये वाला एक्सबो दिक्कत ना दे दे और टाइम फेल का इशू ना हो जाए, बस वही दिक्कत लग रहा है हमें और कुछ खास नहीं है दिक्कतें भाई साहब। ये दिक्कत आ गया मुझे लगता है, टूस्टर ना हो जाए, गड़बड़ी कर दी हमने शायद, फिर भी चलो देखते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा बहुत। ये वाला एक्सबो जिंदा है ना, अरे भाई साहब डबल यहाँ पे ब्लैक एयर माइन, गड़बड़ी कर दी हमने। ये चलो 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 जल्दी करो जल्दी करो, एक यहाँ पे मर जाए काम खत्म हो जाएगा, बस ये मर जाए। कहाँ पे मार रहे हो यार, 90% रह गया, 90% 92% और यहाँ पे टूस्टर रह गया, गलत सीन। कोई ना, कोई और साफ करेगा, चलेंगे। ओके नीचे विवेक भाई से एक और अटैक हो रहा है और कोई बात नहीं, थोड़ा सा गलती कर दी हमने, दूसरा साइड से शुरू करना चाहिए था, फिलहाल क्या करेंगे, जो हो गया सो हो गया, उतना ज्यादती की बात है नहीं, जो हो गया सो हो गया, इतना चिंता करेंगे तो धीरे धीरे बखला जाएंगे। अब टाउन हॉल 14 के ऊपर जाएंगे हम लोग। ओके यहाँ पे भी हमारा आर्मी रेडी है और यहाँ पे हमारा हाइड्रा रेडी है सेम, और हम लोग करने वाले हैं कहाँ है हमारा टैक, ये रहा, हम लोग जाने वाले हैं यहाँ पे T15 के ऊपर, वैसे ही T15 का बेस लग तो रहा है, चलो करते हैं, क्या ही बेस है। तो सिंपली हमारा यहाँ पे सेम प्लान है, ये वाला पोर्शन हम लोग लेंगे, सिंगल इन्फर्नो है तो दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। टोर्नेडो ना निकले वहाँ पे, जहाँ पे सोच रहे हैं वहाँ पे टोर्नेडो का निकल गया, लग जाएगा हमारा। चलो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लावा हाउंड और यहाँ से आ जाएगा हमारा ब्लिम्प, ब्लिम्प को सही जगह पे खोलना है और सही तरीके से उनको संभालना भी है। ओके रेज आ जाएगा, फिर से एक इन्वी आ जाएगा और डबल पॉइज यहाँ पे आ जाएंगे। भाई गलती तो नहीं कर दी, सिंगल ये तो नहीं लेके आ गया ना, दिक्कत लग रहा है मुझे, हालांकि हमारे पास अभी भी चीज़ें हैं, मैंने शायद एक क्लोन लेके आया, दिक्कत हो गया, टाइम टाइम पे करना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। और भी एक लास्ट है भाई, टाउन हॉल को मारते रहे भाई, टाउन हॉल को टेक डाउन कर भाई, भाई 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 दिक्कत है। एक और हिट लगना था यार एक और हिट लगना था, क्या कर दिया यार, दिक्कत है, एक और हिट लगना था, एक और हिट लगते तो हो जाता है। यहाँ पे एक दे देते हैं, किंग को ज़्यादा जल्दी उस तरफ भेज देंगे ताकि दिक्कतें कम आ जाए और हम लोग घुसेंगे यहीं से, क्योंकि एयर स्वीपर इस तरफ है, दिक्कत आ सकता है गाइस, ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दिक्कतें आ सकते हैं। क्वीन बाहर, किंग अंदर, दिक्कत इज कमिंग गाइस, टाइम जा रहा है, जल्दी करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग आरसी को थोड़ा सा बचाएंगे, ठीक है, आरसी को अगर नहीं बचाएंगे तो दिक्कत और भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आरसी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है काफ़ी हद तक। चलो वार्डन एबिलिटी दे दिया, चलो आरसी को सही जगह पे डाल दिया, आरसी का जल्दी एबिलिटी आ जाना चाहिए, रुको आरसी, चलो ख़त्म, बस पॉइजन पे चीज़ें ना बचे, मतलब यहाँ पे जो पॉइजन लगा हुआ है ना, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे रुक जाना नहीं चाहिए। चलो फिलहाल के लिए तो सही जा रहा, बस हमारे पास आरसी के पास एबिलिटी नहीं है, क्वीन के पास एबिलिटी है हालांकि, बट क्वीन बाहर है, बाकी ट्रूप्स तो अंदर है। और ये बेस टाइम फेल के लिए जा सकता है भाई, ये टाइम फेल के लिए जा सकता है, काफ़ी क्लोज जाने वाले अटैक, जल्दी हमने आरसी का एबिलिटी यूज़ कर लिया ताकि दिक्कत ना हो, टाउन हॉल इजीली टेक डाउन हो जाए। और यहाँ पे भाई टाइम फेल नहीं, यहाँ पे प्रॉपर फेल होने वाला है, टाइम फेल होने वाला है, हमने गलती से वहाँ पे एक क्लोन कैसे ले लिया हमने, देखना चाहिए था मुझे,
क्लोन गलती से हमने एक क्लोन ले लिया यार, टाइम फेल। दो अटैक हमारा यहाँ पे लग चुके हैं भाई, दो अटैक यहाँ पे लग चुके हैं सेम 90%। हमने एक क्लोन लिया था, दिक्कत है हो गया। यहाँ पे देखो दो क्लोन यहाँ पे है, एक क्लोन हमने लिया था भाई। इस टाइम पे ये सब गलती मैं कैसे कर सकता हूँ, पता नहीं हो भी रहा है हमसे। 50 स्टार्स आ चुके हैं वैसे, और नीचे अभी भी अटैक्स चल भी रहे हैं, और हमें और भी अटैक्स लेना है। सो मेरा लगभग सारा अकाउंट से आ चुका है, अब नंबर वन से अटैक लेना है। अब यहाँ पे पहले आर्मी देख लेता हूँ। आर्मी की वजह से टाउन ऑन नहीं निकला था, टाउन ऑन निकल जाता वो तो वहाँ पे काम हो जाता तमाम। अच्छा पहले यहाँ पे सीसी वगैरह दे देता हूँ, रुको। चलो यहाँ पे लगभग हमारा सारा का सारे के ऊपर मैंने दे दिया आई थिंक, हाँ लगभग सारा का सारा स्पेल दे दिया। यहाँ पे बस पॉइजन देना बचाए, जा रहा हूँ। तो चलो हमारा आर्मी यहाँ पे पहले अटैक ले लेते हैं, उसके बाद जाके बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर वन पे हम लोग जाने वाले हैं, सो यहाँ पे करते हैं, और टाइम धीरे धीरे निकलता हुआ हमारे हाथ से। चलो बस फाड़ना है भाई इसको, चलो पहले इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे लावल हाउंड को डाल देंगे और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, दिक्कत उतना नहीं आना चाहिए। और टाउन हॉल के पास जल्दी जाना चाहिए। चलो टाइम पे खोला क्या मैंने? आई थिंक मैंने टाइम पे खोल दिया, बस यहाँ तक ही आ जाना चाहिए। चलो सारे के सारे यहाँ पे आर्चर्स जिंदा है हमारे, बस और दो बचा हुआ है। टाउन की तरफ आ तो रहा है ना? हाँ आ रहा है भाई, आ रहा है। चलो टाउन हॉल गया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे निकल गया। जो वैल्यू हमने मांगा था यहाँ पे वो वैल्यू हमें मिल चुका है। एक और चीज़ है, वो एक और हमारे पास इनविजिबल स्पेल है, पर वो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं। तो सिंपली एक काम करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा किंग और यहाँ पे आ जाएगा क्वीन, दिक्कत ना आ जाए बस इसीलिए। फिर दिक्कतें काफ़ी आते हैं, फिर दिक्कतें उतना आना नहीं चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं। और सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा काम होने दो, और किंग के ऊपर अभी एबिलिटी आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके चलो अब किंग का एबिलिटी आ जाएगा, ताकि यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा पहुँच जाए। मतलब हम लोग यहाँ पे ये वाला पोर्शन पूरा किंग और क्वीन से निकालेंगे, और बाकी का पोर्शन पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास बाकी सारा आर्मी से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारा ड्रैगन यहीं पे आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा, वार्डन आ जाएगा पीछे से, और ड्रैगन राइडर यहाँ पे आ जाएंगे पीछे से। वो अभी आरसी भी आने वाला है, तो ये आ जाएगा हमारा आरसी। अब सारा का सारा यहाँ पे दे देंगे, वॉल ब्रेक कर देंगे, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये सारा का सारा हेड हंटर्स भी, ठीक है। अब टाइम पे हम लोग देंगे यहाँ पे एबिलिटी, जिससे दिक्कतें और ना पहुँचें। टाइम काफ़ी बचा हुआ है हमारे पास, एबिलिटीज़ भी है हमारे पास क्वीन और आरसी के पास। यहाँ पे हेड हंटर है वो, सॉरी यहाँ पे आप गॉबलिन है वो दे देंगे, और दिक्कत यहाँ पे और उतना नहीं आएगा। धीरे धीरे आर्मी पुश भी कर रहे हैं, और यहाँ पे टॉर्नेडो निकल के आ गया, खास करने कर तो नहीं पाएगा टॉर्नेडो। और यहाँ पे हम लोग करेंगे इनवी, जिससे वैल्यू कितना मिल जाएगा तुम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे। मतलब डिफेंसेस यहाँ पे काम उतना कर नहीं पाएगा, और ये बोल सकते हो ट्रिपल आ चुका है हमारे बेस के ऊपर। क्वीन का एबिलिटी दे देते हैं, नहीं तो ये और भी टाइम खाएगा। चलो 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 जल्दी करो, टाइम काफ़ी धीरे होता जा रहा है, टाइम काफ़ी कम है हमारे पास। ओके टाइम काफ़ी कम है, टाइम का दिक्कत ना हो जाए यही आशा रखेंगे कि टाइम का दिक्कत ना हो। नहीं टाइम का दिक्कत नहीं होगा, हाँ ये बेस हो चुका है भाई थ्री स्टार। टाइम 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 एंड ये बेस ट्रिपल हो चुका है हमारा, इजी ट्रिपल। चलो नाइस, एक और अटैक लेंगे, उसके लिए आर्मी हमारे पास रेडी नहीं है, उसको बस रेडी रखेंगे ताकि दिक्कत ना हो। ओ भाई साहब नीचे अटैक हो रहा है, भाई 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 यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल 7 बंदे ऑनलाइन हैं। ओ अच्छा ठीक है,
चलो 61 स्टार आ चुके हैं। ओ भाई साहब नीचे कोकन भाई की तरफ से भी अटैक्स हो रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3 बचा हुआ है। नंबर 4 पे जा चुके हैं हमारे एवेंजर भाई। और यहाँ पे मैं आर्मी बना लेता हूँ, रेडी हो रहे हैं। जहाँ 3 मिले वहाँ कर दो सेकेंड अटैक। हाँ जरूर, हाँ ओके। चलो पहला अटैक तो हमारा 3 अटैक में ट्रिपल आ चुका है, बाकी 2 अटैक में हमने लोगों ने हक दिया, जहाँ पे कुछ गलती की वजह से हम लोगों ने हक दिया था। और बाकी सारे अटैक्स भी आ रहे हैं। और नीचे का बेसिस ऑलमोस्ट 3 स्टार दिख रहा है, जहाँ पे 3 स्टार नहीं आया वहाँ पे हम लोग करेंगे 3 स्टार। यहाँ पे आर्मी रेडी है, और हमें गलती से भी ये गलती नहीं करना चाहिए, गलती से भी ये गलती हमें नहीं करना चाहिए। लावालून आर्मी हमारे पास रेडी है, और यहाँ पे जाएंगे नीचे का 23 एक बार चेकआउट कर लेंगे। ओके बेस कुछ ऐसा है और हमें संभाल के अटैक लेना है। ओके मल्टी मिल जाएगा यहाँ से, और ये दिक्कत ना दे, दिक्कत उतना देगा भी नहीं, उतना लग भी नहीं रहा कि दिक्कत देगा। चलो 1 स्टार आ चुका है, यहाँ पे 3 स्टार करते हैं इसको। ईजी तो मिल जाना चाहिए, अब देखते हैं ईजी मिलता है या फिर नहीं हो पाता। चेकआउट करते हैं थोड़ा सा, जाके बस यहाँ पे खोल देंगे। ओ ओ, ओ, ओ अभी 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 फट जाता हमारा। चलो टाउन हॉल को भी जाइए भाई, टाउन हॉल, टाउन हॉल। अरे 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 अरे, अरे मार खा रहे हो, इतना वैल्यू ना दोगे। अरे यार गलती भाई, कितना गलती करूंगा मैं, गलती से फ्रीज आ गया इन भी के चक्कर में। लो टाउन हॉल को फोड़, ये नहीं फोड़ पाएगा, ये नहीं फोड़ पाएगा। लग चुका है हमारा यहाँ पे, गलती कर दी हमने। एक काम करते हैं, ये यहाँ पे आएगा तो कोई मारेगा नहीं। अरे भाई साहब मार रहा है, बहुत मार रहा है। काम करते हैं इस तरफ से, हम लोग इस तरफ से देते हैं। निकल चुका है, जो भी निकलने वाला था निकल चुका है। अब पूरा का वो पोर्शन हमें लेना है इस तरफ से, और ये वाला पोर्शन हम लोग हीरोज़ की वजह से लेंगे, हीरोज़ के लिए लेंगे, मतलब हीरोज़ यहाँ पे थोड़ा सा काम करेंगे। चलो 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 चलो, 3-4 यहाँ पे देंगे, और यहाँ पे किंग की एबिलिटी बचाएगा हमारा। अरे यार कहाँ चले गए। हाँ चलो वापस आ गया हमारा, दिक्कत ना आ जाए। चलो और इस तरफ से हमारा आ जाएगा सारा का सारा बलून, लावालून यहाँ से आ जाएगा, वार्डन आ जाएगा, पीछे से मिनियन आ जाएंगे, और यहाँ से भी आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे दिक्कतें आना चालू हो जाएगा अभी, क्योंकि हमारे पास फ्रीज नहीं है जो दिक्कत काफ़ी हद तक दे सकता है। वार्डन एबिलिटी थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ से जल्दी करना होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हेस्ट दे दिए ताकि जल्दी जाए उस तरफ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगा। बस अभी भी 11 चीजें हैं, 11 लून तो है, और क्वीन फिलहाल के लिए तो मर चुका है। यहाँ पे एक हेस्ट डाल देते हैं ताकि दिक्कत ना आ जाए, और हेस्ट अपना काम बेखूबी से निभा रहा है। चलो यहाँ पे थोड़ा सा गलती के ऊपर भी हम लोगों ने यहाँ पे दिक्कतें और उतना आने नहीं दिया। 3 स्टार बोल सकते हो, ये बेस बोल सकते हो ना, ये 3 स्टार ही है। पे थोड़ा सा गलती होने वाला था बट हमने संभाल लिया, और ये 3 स्टार आ चुका है, और ये हो चुका है गाइस 3 स्टार। और नीचे का बेसिस लगभग खत्म है, लगभग खत्म है यहाँ पे, तो ये 3 स्टार हो चुका है। और देख सकते हो 67 स्टार आ चुके हैं एनिमी वालों की तरफ से, और अटैक नहीं हो रहा फिलहाल के लिए, किसने अटैक कर नहीं, करण सोनी। चलो टाइम कम है, जहां करना है कर दो, अभी तो जहां करना है कर दो, टाइम बहुत कम है, सो पेल दो बेस को। अब जाएंगे हमारे टाउन ऑफ 13 के ऊपर, और यहाँ पे आर्मी भी आ चुका है हमारे पास। ओके विवेक भाई जा चुके हैं यहाँ पे, और हम लोग जाने वाले शायद यहाँ पे या यहाँ पे। हमारे पास कौन सा आर्मी रेडी है, हमारे पास लावालून रेडी है, तो उसकी सबसे बेस देख लेते हैं और उसके बाद चले जाएंगे। ये बेस ठीक ठाक रहेगा अगर ये पूरा पोर्शन आ जाए, लावालून के लिए ये बेस परफेक्ट है, बट उसके लिए हमारे पास दिक्कत दे सकते हैं ये फ्लिंगर, मतलब ये जो
या स्वीपर ही दिक्कत दे सकता है, तो एक अच्छा खासा बेस ढूंढते हैं। अगर वहाँ पे 18 पे सुइटेबल बेस नहीं मिलता तो वहाँ पे घुसेंगे, नहीं ये बेस तो उतना नहीं दे पाएगा। सो हम लोग चलेंगे, ओके प्रणव जा चुका है नंबर 25 पे और विवेक कर रहे हैं नंबर 17 के ऊपर, और हमें यहाँ पे या यहाँ पे चलना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा। सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे कुछ बलून्स देके और ये वाला पोर्शन हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो सब कुछ सही है, पहले देख लेंगे भाई, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। बस घुस गए यहाँ पे और यहाँ पे दो चार बलून दे देंगे ताकि ब्लिम हमारे अच्छे खासे वहाँ पे चले जा पाए। अभी स्वीपर का दिक्कत आने वाला था तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा संभाल लिया। रेज आ जाएगा एक और, यहाँ पे आ जाएगा इनवी डबल क्लोन आ जाएगा, ओके चलो अब यहाँ पे वैल्यू निकलना चाहिए अच्छा खासा तरीके से। एक और इनवी लास्ट इनवी आ गया और यहाँ पे पूरा का पूरा पोर्शन निकल गया, कुछ खास बचा नहीं है। और ये वाला आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। चलो ये वाला आ भी गया, ख़त्म। और सिंपल सी काम करेंगे यहाँ पे, जो कि आएगा हमारा हीरोस यहाँ पे देंगे नहीं, छोड़ जाने दो। एक काम करते हैं यहाँ पे एक दो, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन ये लोग निकाल लेंगे, यहाँ से ये आ जाएगा। किंग की एबिलिटी दे देंगे, पीछे से क्वीन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा बाकी सारा। ठीक है, बस ऐसे ही लेंगे हम लोग। चलो ये बेस आराम से 3-स्टार हो रहा है। बाकी एक और हेड हंटर है, उसको हम दे देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा RC। कुछ बलून हम लोग बचा के रखेंगे, दिक्कत ना आए इसीलिए। चलो और यहाँ पे बाकी जो दो बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। और एक काम करेंगे, यहाँ पे बाकी जो चीज़ें बचा हुआ है यहाँ पे आ जाएगा। चलो आ जाएगा वार्डन का एबिलिटी। और ये बेस भी ट्रिपल लग रहा है टाउन 13 की तरफ से। टाउन 13 के ऊपर तो मेरा 3-स्टार नहीं हुआ पिछली बार, और अभी यहाँ पे टाउन 12, ये 12 उतना, 13 भी उतना नहीं बोल सकते और 12 भी उतना नहीं बोल सकते, क्योंकि ना ये 13 है ना ही है 12 है ठीक से। मतलब 12 भी है, 12 का डिफेंसेस दिख रहा था वहाँ पे, 13 जो भी है छोड़ो जाने दो, 3-स्टार भाई 3-स्टार जाने दो। अब वार बचाना है तो कहीं पे भी जाना पड़ेगा। RC का एबिलिटी हो गया ट्रिपल। तो भाई हमारी तरफ से 73 स्टार्स हो चुके हैं और बाकी अटैक्स भी हमें लेना पड़ेगा हमें। ऑलमोस्ट हम लोग जीत चुके हैं। यहाँ पे एक ये बना लेते हैं और ये बना लेते हैं ताकि हम लोग डोनेट कर पाए। चलो सो नीचे का बेसिस ये लोग देख रहे हैं और कुछ कचरा भी हुआ है, कुछ दिक्कत है। 92 भाई देखना नहीं है मुझे, ये देखना नहीं है, मैंने नहीं किया, गलती कारण हो गया। अरे भाई साहब दिक्कत अभी होने वाला था क्योंकि मैंने यहाँ पे तो सुपर आर्चर लिया ही नहीं था, दिक्कत आ सकता था। चलो अटैक्स हो रहे हैं और यहाँ पे हम लोग लास्ट में देखेंगे कौन कितना स्टार लेके आया। मैंने तो हगा ही है बेस पे और ये बेस देख लेते हैं। ये बेस असल में क्या सूटेबल है? हाँ उतना तो अब क्या बोलेंगे, दिक्कत तो आ ही सकता है। सो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं सुपर आर्चर के साथ लावा लून, दिक्कत आ तो सकता है, उतना नहीं आ जाए बस, और क्या बताऊं मैं, इसका भी दिक्कत आना चाहिए। चलो यहाँ से हम लोग आएंगे और कुछ ठीक ठाक है। टाउन 13 का बेस है, क्या सोचना है, टाउन 14 के ऊपर हमारे पास उतना नहीं, टाउन 14 का भी आर्मी कहाँ है हमारे पास। अभी ये बेस तो अभी नया मैंने बना लिया, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारा बैटल ब्लिम और इसको फोड़ेंगे जस्ट इसी जगह पे, तो उसके वजह से यहाँ पे दिक्कत भी आ सकता है। पहले ना फूट जाए वही हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पहले ना फूट जाए। चलो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग फोड़ने वाले थे वहीं पे फूट आए, कुछ खास यहाँ पे दिक्कत आया नहीं है। और इस बार सही में हम लोगों ने ठीक ठाक का क्लोन लिया है, पिछली बार से वहाँ पे गलती हो गया था, एक ही क्लोन ले लिया था हमने, जो दिक्कत भाई काफ़ी हमें झेलना पड़ा उसका फल हमें भुगतना पड़ा, जो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। और चलो थोड़ा बहुत अच्छा खासा यहाँ पे मिल गया, थोड़ा बहुत नहीं काफ़ी अच्छा खासा मिल गया।
किंग आ जाएगा, क्वीन आ जाएगा और उसके पीछे से हमारा हेड हंटर भी रेडी रहेगा ताकि यहाँ पे एनिमी हीरोज को भी दिक्कत दे सके। और ऊपर से ये लोग भी मारेंगे तो इस तरफ ये दोनों दे देते हैं, ये आ जाएगा और इनको मारना जरूरी है इसीलिए हमने हेड हंटर यहाँ पे। अच्छा ये मर भी गया, चलो अच्छी बात है। और क्वीन संभाल लेगा, कोई बात नहीं, बस संभाल लेना चाहिए और कुछ नहीं। चलो क्वीन यहाँ पे पक्का जाएगा अब मल्टी के ऊपर और इसके बाद तो और कोई चारा भी दिख नहीं रहा। चलो ठीक है तो हम लोग एक काम करते हैं, इस तरफ से जाते हैं, नहीं नहीं इस तरफ से नहीं, इस तरफ से ही जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एक लावा हाउंड, पीछे से ये आ जाएगा मिनियन मिनियन मिनियन, यहाँ से भी कुछ आ जाएंगे, यहाँ से भी कुछ आ जाएंगे और पीछे से हमारा आ जाएगा आरसी मतलब रॉयल चैम्पियन। चलो अब स्कैटर, दो दो स्कैटर यहाँ पे जिंदा है, दिक्कत की बात वही है कि दो दो स्कैटर यहाँ पे हमारा जिंदा है, मतलब एनिमी वालों का स्कैटर जिंदा है तो उसके लिए हमारे पास भी चीज है, मतलब देख सकते हो। चलो वार्डन एबिलिटी ताकि हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी बेलून्स है वो स्प्लैश डैमेज जो दे रहा है ना इससे बचा सके। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वार्डन सॉरी आरसी का एबिलिटी और ये बेस क्या ट्रिपल जाएगा देखते हैं भाई, दिक्कत तो आना नहीं चाहिए। और यहाँ पे अच्छी बात है कि एक्सबो उतना कुछ खास कर नहीं पाएंगे, आरसी अभी तक जिंदा है हमारे पास। और यहाँ पे कुछ गॉबलिन्स वगैरह डाल देंगे, भाई बलून्स अभी कम है और यहाँ पे बलून्स मार भी रहा है भाई। अरे भाई साहब ये ट्रिपल नहीं हो पाएगा, आई थिंक लास्ट तक जा नहीं पाएगा। हमारे पास क्वीन भी जिंदा नहीं है और 92% आ गया, टू स्टार, फोर स्टार आया है हमारा टाउन हॉल 14 के अकाउंट से। यहाँ पे और हमारे पास 9 मिनट बचा हुआ है और 81 स्टार आ चुके हैं हमारी तरफ से। और भाई एनिमी वालों क्या सोच रहे हैं अभी, करेंगे कि नहीं करेंगे अटैक, ले लेते यार। और यहाँ पे थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा 4 मिनट के आसपास और बेस को एक बार देख लेते हैं, प्लान बना लेते हैं तब तक, 8 मिनट हमारे पास टाइम है। और हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं भाई, दिक्कत आएगा यहाँ पे, एड्रा तो करेंगे ही करेंगे बट यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू निकालेंगे ना वो यहाँ पे फोड़ेंगे, जस्ट यहाँ पे ब्लिम को फोड़ेंगे जिससे ये पूरा का पूरा हमें वैल्यू मिल सके, ये पूरा वैल्यू लेंगे और बाकी जितना भी ट्रूप्स वगैरह है सब कुछ यहाँ पे घुसाएंगे। और दिक्कत जो देगा ये स्पेल टावर देगा, इनविजिबल स्पेल टावर, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है सो हमें आराम से लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रूप्स भटकेंगे, पक्का भटकेंगे। और यहाँ पे एयर ट्रूप अच्छा काम करेगा क्योंकि यहाँ पे देखो चारों के चारों जो एक्सबो है वो सब कुछ ग्राउंड पे है। अब दूसरा आर्मी हमारे पास रेडी होने के लिए टाइम नहीं है सो हमें जाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं क्योंकि हमें डोनेशन भी देना है, डोनेशन देना, अरे कहाँ चला गया, अच्छा किसी ने दे दिया, नहीं दिया, चलो बस क्लोन स्पेल के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं तो फिलहाल तो नहीं दे सकता। हमारा यहाँ पे आर्मी क्या, आर्मी रेडी होने में टाइम लगेगा क्या, जेम्स उड़ाना पड़ेगा, ये क्या सीन हो गया हमारा, आर्मी रेडी नहीं हुआ, टाइम नहीं है उतना। और यहाँ पे 4 मिनट बचा हुआ है, एक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, रुको लास्ट सेकंड पे जाएंगे क्या ही करेंगे, 3 मिनट और बचा हुआ है सो ये वाला। अरे जॉन तमीम भाई यहाँ पे जा चुके हैं नंबर 3 के ऊपर, यहाँ पे भाई कर रहे हैं कौन सा वाला, ओके एडी लून, अच्छा भाई का ये सिग्नेचर स्टेप है। अरे दिक्कत आने वाला है भाई, टाउन हॉल को सीधा इग्नोर किया जाएगा, नहीं टाउन हॉल फूट चुका है भाई, टाउन हॉल आ चुका है बट यहाँ पे ट्रिपल तो भाई मुश्किल से ही लग रहा है मुझे, 3 मुश्किल से यहाँ पे ट्रिपल दिख रहा है क्योंकि स्पेल टावर बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। नहीं 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 जॉन भाई यहाँ पे हर जगह पे ईडी तो नहीं कर सकता ना, थोड़ा सा दूसरा आर्मी भी ट्राई किया करो, हर टाइम तो हो नहीं सकते यहाँ पे ट्रिपल, बट फिर भी चलो वार तो हम लोग जीत गए। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे ट्रिपल तो नहीं आएगा, डबल स्टार आ चुके हैं, अच्छा नीचे कोई बेस देखते हैं, ठीक है कोशिश तो करेंगे, नीचे कोई भी बेस बचा हुआ है क्या, मतलब पूरा का पूरा,
लग तो नहीं रहा कोई भी बेस बचा हुआ है। नहीं, कोई भी बेस बचा नहीं है, तो हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। हाँ, जॉन भाई की तरफ से 9 के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, और कितना पे लोगे यार एनिमी वालों को। 35 सेकेंड्स और रुक जाते हैं। चलो, आर्मी ट्रेन हो चुका है और जो हमने प्लान बनाया उसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे। चलो, फिंगर क्रॉस्ड, घुस जाते बेस के ऊपर, एक बार आर्मी चेकआउट कर लेते हैं। सही है, होप श्योर कि यहाँ पे हम लोग ट्रिपल कर पाए। ठीक है, ज़्यादा नहीं देंगे, कुछ ज़्यादा ही उस तरफ से दे दिया क्या मैंने, कुछ ज़्यादा ही नहीं दे दिया मैं, और यहीं पे फोड़ देंगे। चलो, एक और आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये और ये भी। चलो, अब वैल्यू दो मुझे, पूरा का वैल्यू चाहिए मुझे, पूरा का पूरा वैल्यू चाहिए यहाँ पे। भाई भाई भाई, भाई इतना इतना मत मारो, इतना मारोगे तो कैसे चलेगा। वैल्यू मांगे हैं, अब तुम डैमेजेस दे रहे हो, अच्छी बात है थोड़ा सा। भाई सब जो हमें वैल्यू मिलना चाहिए था, मतलब जितना हमने प्लान बनाया था उनके हिसाब से अच्छा खासा मिल चुका है भाई। उतना भी बुरा अटैक्स यहाँ पे हुआ नहीं है, मतलब वैल्यू जितना हमें चाहिए था उतने हिसाब से मिल चुका है। अब बस क्या करना है, एक काम करते हैं, यहाँ पे एक दे देते हैं। ठीक है, बस ये मोटर निकल जाए, और इस तरफ से किंग क्वीन आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए यही सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि उस तरफ से पूरा का पूरा आर्मी आएगा, दिक्कत तो हो ही सकता है। काम करते हैं, यहाँ से किंग क्वीन दे देते हैं, ठीक है, दिक्कत नहीं आ जा बस, और क्वीन को छोड़ेंगे इसके पीछे। हाँ सही जा रहे, चलो, और यहाँ पे हम लोग वॉल फोड़ देंगे। हाँ चलो, फूट गया। चलो, उस तरफ से ये निकालेंगे और हम लोग इस तरफ से चालू करेंगे हमारा हाइड्रा। किंग क्वीन के ऊपर काफ़ी हद तक डैमेजेस आ रहा था, तो हमने उनको बचाने के लिए ये दे दिया वन एबिलिटी, मतलब सॉरी किंग का एबिलिटी दे दिया, क्वीन का एबिलिटी दे दिया। चलो, अब किंग के तरफ से अच्छा खासा वैल्यू आना चाहिए। ओके, किंग का एबिलिटी आ गया यहाँ पे, थोड़ा सा होल्ड कर रहे हैं बस हम लोग, दिक्कत ना आ जाए। तीनों के तीनों हेड एंटर हमने यहाँ पे दे दिया, डिप्लॉय मैदान पे आ चुके हैं। अब बस टाइम पे वार्डन का एबिलिटी आना चाहिए। चलो, फिलहाल के लिए तो सही जा रहा, अब चलो देख रहे हो यहाँ पे क्या सीन हो रहा है। अब लास्ट स्पेल टावर यहाँ पे एक्टिव होने से पहले हमें काम निपटाना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा लो लग गया भाई, जो मैंने समझा था वही हुआ कि एक ही चीज यहाँ पे दिक्कत दे सकता है जो कि ये स्पेल टावर, और वही हुआ भाई, ये क्या सीन है। स्पेल टावर दिक्कत दे गया यहाँ पे, स्पेल टावर सबसे ज्यादा हरामी चीज था। क्या कर दिया हमने मॉन्स्टर, नहीं, स्पेल टावर एक्टिव, लास्ट स्पेल टावर यही हमारा बेस का सत्यानाश कर दिया। अच्छा खासा वैल्यू मिलने के बावजूद यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका है, हाई परसेंटेज लेके क्या करेंगे जब मॉन्स्टर आ जाए तो। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने जीत लिया वॉर। ये दुखी की बात बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी चलो कॉन्ग्रेचुलेशन। और लिटरली हम लोगों ने सरप्राइज कर दिया यहाँ पे एनिमी वालों को, वो डिटेल्स देख सकते हो, लगभग सभी बंदों ने बहुत सही खेला। हमारे एसएस किंग भाई मोस्ट हीरोइक अटैक का टैग ले चुके हैं, मोस्ट हीरोइक अटैक, और डिफेंसिव यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, उनके तरफ से 29 एक बंदा था। जो भी है, हम लोग यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से जीत चुके हैं, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हो वार विन स्ट्रीक हमारा फिलहाल के लिए हो गया 10। चलो ठीक है, और यहाँ पे आज के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी गाइस आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी मजा आया लाइक मार दो यार, अच्छे तरीके से लाइक मार दो। एम तो नहीं रखने वाला मैं, क्योंकि तुम लोग कभी भी एम पूरा नहीं करते, ठीक है। तो चलो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अच्छा लग गया तो लाइक मार दो, वीडियो में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया तो कमेंट भी कर देना। और आप लोगों का वॉर विन स्ट्रीक कितना तक गया है सबसे ज़्यादा, हमारा तो गया था 22, आप लोगों का सबसे ज़्यादा कितना गया था वो भी कमेंट में लिख देना। बाकी मैं मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे रहें, बाय।